नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और मेरे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ 4.5 इंच वॉइस कॉइल का। मेरे पास 4 इंच वॉइस कॉइल का डाई था, बट मैं 4 इंच वॉइस कॉइल के डाई में 4.5 इंच वॉइस कॉइल कैसे बनाया हूँ, इसका डिटेल्स बताएंगे। दोस्तों, स्पीकर लाइन में इतने साइज के कॉइल आ गए हैं कि हर साइज का डाई रखना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि हर कॉइल के लिए हर साइज़ का डाई रखना चाहिए तो ज़रूरी नहीं है, हम जुगाड़ टेक्निक से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास 4 इंच का डाई है और जिसमें हम 4.5 इंच का कॉइल बनाएंगे। तो ये कॉइल का साइज़ देख लीजिए, हम वर्नियर से माप करके दिखा रहे हैं, 114 mm का है। और मेरे डाई का साइज़ अब देख लीजिए, 95 mm का है। तो आज हम 4 इंच के डाई में 4.5 इंच का कॉइल बनाएंगे। तो उसके लिए ये एक प्लास्टिक रोल की ज़रूरत होगी। ये रोल आपको पंखे की दुकान में या वाइंडिंग वायर की दुकान में मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि जिस व्हील पर आप स्पीकर रखकर गोल गोल घुमाकर वर्क करते हैं, उस व्हील्स के विषय में कुछ डिटेल से बताइए। तो देखिए, ये वही व्हील्स हैं। इसका जो गोल प्लाई है, ये हम स्पीकर बॉक्स कटिंग का प्लाई लेकर आए हैं। और ये एक स्पीकर का किट है और ये एक बैरिंग है, फुल ऑल्ट्रेशन करके बनाया गया है, जुगाड़ टेक्निक से है और काफ़ी वर्केबल है। और अगर आपको चाहिए तो मैं एक व्हील और बना करके इसका वीडियो डाल सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस व्हील के ऊपर हम डाई रख देते हैं और इस प्लास्टिक सीट को हम गोल 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 घुमाते हुए लपेटते जाते हैं। यहाँ हमें 95 mm का हमारा डाई है और 114 mm का कॉइल बनाना है। तो लगभग लगभग हमें 20 mm इसमें प्लास्टिक सीट लपेटना होगा। तो प्लास्टिक सीट लपेटते हुए हम कॉइल को मापते जाएंगे। और जब लगभग लगभग कॉइल के बराबर प्लास्टिक सीट लपेटा जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि इस सीट को एकदम परफेक्ट कॉइल के साइज़ में कैसे बनाना है। तो उसके पहले हम वर्नियर से माप लेते हैं कि इसका भी साइज़ कितना आया है। तो ये 111 mm अभी बना है, 114 mm, लगभग 2 mm मुझे प्लास्टिक सीट और लपेटना है। ये प्लास्टिक सीट जो है 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर तीन तरीके से मिलता है, 3 नंबर का मिलता है। तो मैं ये 7 नंबर का प्लास्टिक सीट लेकर आया हूँ। ये इसका इनर जो है वो 113-114 के आसपास कॉइल का इनर है, तो हमें लगभग 114 या 114 दो तीन पॉइंट उससे ज़्यादा लपेटना होगा। तो थोड़ी सी सीट हम और लपेट लेते हैं। और उसके बाद अब ये देखिए, हमारा पुराना कॉइल है, तो कॉइल का जो यहाँ पे जॉइंट होता है उसको फाड़ दीजिए और वो प्लास्टिक सीट में उसको डाल करके और कॉइल के ऊपर, सीट के ऊपर कॉइल को सेट कर दीजिए। तो ये देखिए, कॉइल अपना रोल के ऊपर सेट हो गया है। अब थोड़ा सा कॉइल घुमाइए और प्लास्टिक रोल को टाइट करते जाइए। जैसे जैसे कॉइल घूमते जाएगा और प्लास्टिक रोल अंदर टाइट होते चला जाएगा। अब यहाँ पे कॉइल हमारा टाइट जा रहा है, तो हम थोड़ा सा बढ़ा करके प्लास्टिक रोल को हटा देते हैं। अब इसको हाथ में ले करके और फिर टाइट करते हुए कॉइल को घुमाएंगे ताकि प्लास्टिक सीट और अंदर सेट हो जाए। जहाँ पे ये टाइट हो जाएगा, मेरा कॉइल जहाँ पे टाइट हो जाएगा, वहाँ से एक राउंड घूमने के लायक छोड़ करके हमें पूरा फिर सीट एक्स्ट्रा काट देना है। हम जो भी कॉइल को बिठा करके डाई बनाएंगे, जहाँ पे प्लास्टिक सीट टाइट हो जाता है, उसके बाद हमें प्लास्टिक सीट कम से कम हाफ टर्न या नहीं तो फुल एक टर्न एक्स्ट्रा रखना है। क्योंकि ये हम कितना भी हाथों से टाइट करेंगे, जब हम इस पर कॉइल बनाएंगे तो प्लास्टिक सीट थोड़ा सा दबता है तो कॉइल फिर अंदर से पतला हो जाता है, तो फिर आपके पोल पे कॉइल घसने लगेगा। तो ये देखिए, एक सीट हमने एक्स्ट्रा, एक राउंड पूरा एक्स्ट्रा रखा है। अब इसको एक मास्किंग टेप काट करके हम इस प्लास्टिक सीट को लॉक कर देंगे। बट अभी भी यह सीट काफ़ी लूज़ है, इसको अभी हमें टाइट करना है। तो इसको मैं डाई पे बिठा करके फिर से एक बार खींच करके टाइट करेंगे। और उसके बाद, जैसा हम कॉइल बनाते हुए हरदम बताते हैं कि इसके ऊपर सेलो टेप चिपकाना है, तो वाइट सेलो टेप चिपकाना होगा। तो लगभग लगभग हमारा डाई रेडी हो गया है। लेकिन देखिए, डाई के ऊपर ये प्लास्टिक सीट काफ़ी लूज जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ना। तो इसको हम मशीन के ऊपर फिट कर देते हैं और प्लास्टिक सीट पकड़ करके हम डाई को गोल 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 घुमाते जाएंगे। तो प्लास्टिक सीट को पकड़ करके जब हम घुमाएंगे तो अंदर से जो भी गैप होगा या अंदर से जो लूज होगा वो टाइट हो जाएगा। जब प्लास्टिक सीट पूरा टाइट हो जाएगा तो फिर वापस मास्किंग टेप चिपका देंगे हम। अब ये हमारा जो रोल है, ये एकदम टाइट हो गया है और कॉइल बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अभी इसको हम वर्नियर से डाई हमारा 114 mm का बन गया है। अभी इसके ऊपर अगर हम कॉइल को भी माप के देखते हैं, कॉइल का भी लगभग लगभग 114 mm ही होना चाहिए।
तो ये देखिए कॉयल हमारा 114 mm का है और डाई भी हमारा 114 mm का बन गया है। तो अब वापस इस रोल को खोल करके हम, क्योंकि यह कॉयल 30 mm हाइट में बनेगा, तो हम लगभग 35 mm हाइट माप करके एक लाइन खींच दिए हैं। ये लाइन खींचने से क्या होगा कि यहीं से हम चेपी को चिपकाएंगे और यहीं से हम कॉयल बनाना स्टार्ट करेंगे। वो हमारा डिवाइडर लाइन हो गया है वो, तो बराबर इधर लगभग 35 mm का प्लास्टिक सीट रहेगा जिसमें 30 mm हमारा कॉयल बन करके 5 mm बचा रह जाएगा, और उधर हमारा जो भी एक्स्ट्रा बचा है वहाँ पे हमारा चेपी लग जाएगा। ये तो एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम कॉयल को लपेटते हैं तो इस तार लाइन के मिलते हुए जब हम तार लपेटेंगे तो कॉयल एकदम सीधा लपेटा जाता है, और जब हम चेपी सीट को भी चिपकाते हैं इनर चेपी को तो वो भी इस लाइन से टच करते हुए जब इनर चेपी चिपकाते हैं तो इनर चेपी भी एकदम सीधा जाता है और कॉयल हमारा सीधा बनता है। तो ये हमारा डाई बन गया है। अब इसके ऊपर हम वाइट सेलो टेप चिपका दे रहे हैं। वाइट सेलो टेप चिपकाने का रीज़न ये है कि अगर जब आप कॉयल बनाते हैं तो एरालाइट अगर प्लास्टिक सीट के ऊपर जाता है तो प्लास्टिक सीट में चिपक जाता है और फिर कॉयल छुड़ाने में बहुत तकलीफ़ होता है, कभी कभी कॉयल ख़राब हो जाता है। बट यहाँ पे हम सेलो टेप लगा दे रहे हैं तो अगर एरालाइट लीक होगा, अंदर एरालाइट अगर बह भी जाता है तो सेलो टेप में एरालाइट चिपकता नहीं है, कॉयल आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये छोटी छोटी चिपियाँ प्लास्टिक की, 7 नंबर की प्लास्टिक की काट ले रहा हूँ। अब इसको कॉयल के डाई के चारों साइड में हम प्लास्टिक सीट के बीच में डाल करके लॉक कर देंगे, तो जो भी गैप होगा या जो थोड़ा सा ढीलापन होगा वो भी टाइट हो जाएगा, और जब हम कॉयल बना लेंगे, फाइनली कॉयल बन जाएगा, तो एक पकड़ या इसको प्लास की सहायता से हम इस प्लास्टिक सीट को निकाल देंगे तो कॉयल इजीली निकल आएगा। तो ये देखिए मैंने 5-6 प्लास्टिक सीट अंदर से डाल दिया है और कॉयल को एकदम कॉयल बनाने के लिए रेडी करके मशीन पर चढ़ा दिया है। तो चलिए अब कॉयल बनाने की आगे से तैयारी करते हैं। तो कॉयल बनाने के लिए हम एरालाइट का इस्तेमाल करेंगे। हम कभी भी बोन टाइट या किसी अदर एडहेसिव से कॉयल नहीं बनाते हैं क्योंकि एरालाइट का हीटिंग टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये दो पार्ट में आता है, एक वाइट होता है एक थोड़ा येलो होता है। दोनों पार्ट को हम सेम इक्वल मात्रा में एक हार्ड शीट पर निकाल लिए हैं, और एरालाइट का एक प्लास्टिक मिक्सर आता है जो बोन टाइट के साथ मिलता है, तो उस मिक्सचर से हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं। उससे एरालाइट काफ़ी अच्छा मिक्स होता है। एरालाइट मिक्स करने का तरीका यही है कि आप जब भी एरालाइट निकालते हैं तो ये पानी का कलर का होता है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो ये गाढ़ा होकर के वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अगर आपका एरालाइट वाइट कलर का हो जाए तो समझ जाइए ये अभी यूज़ करने के लिए परफेक्ट बन गया है। तो देखिए ये एरालाइट एकदम वाइट कलर का हो गया है, तो हम इसको रख लेते हैं और अब हम इनर चेपी चिपकाते हैं। तो इनर चेपी चिपकाने का वही जैसा हम पहले बताते हैं, एक मास्किंग टेप नीचे से लगा करके और फिर अंदर से इनर चेपी को गोल घुमाते हुए एक जगह पे आप पकड़ लीजिए, और फिर ये देखिए जो मैंने लाइन बना करके रखा था शीट के ऊपर उस लाइन को मैच करते हुए इनर चेपी को मास्किंग टेप से चिपका देंगे, तो ये हमारा इनर चेपी अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए इनर चेपी अच्छे से चिपक गया है, मास्किंग टेप अंदर साइड से जो हम कॉयल बनने के बाद में निकाल देते हैं। यहाँ मुझे वायर बांधने के लिए ज़रा सा भी जगह नहीं मिल रहा है, तो एक प्लास्टिक का सीट हम डाई के अंदर लगा देते हैं। अब एक 7 नंबर की प्लास्टिक सीट से एरालाइट लेकर के इनर चेपी के ऊपर पूरा एरालाइट लगा देते हैं। पूरा एरालाइट फैल जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा एरालाइट होगा उसको हम रिवर्स घुमा करके निकाल लेंगे। दोस्तों कॉयल बनाने के लिए कभी भी आप ड्यूअल कोटेड वायर डीसी वायर का ही इस्तेमाल कीजिए। डीसी वायर का हीट टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नॉर्मल जो पॉलिस्टर वायर आता है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कभी भी आप डीसी वायर में जब कॉयल बनाएंगे तो उसका हीटिंग टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे हम मिलन कॉपर वायर पूरा एक बंडल मंगाया है क्योंकि डीसी वायर जो है लूज़ मिलता नहीं है। ये 10 किलो का बंडल है, आप देख सकते हैं अभी मैं खोल रहा हूँ। यह मिलन कंपनी का है जो परसिशन के नाम से आता है, परसिशन वायर्स एंड इंडिया लिमिटेड के नाम से। तो इंडियन अवेलेबल वायर में मेरे हिसाब से मिलन वायर सबसे बेहतर होता है, इसके बाद BIC आता है। जब मिलन या BIC नहीं मिलता है तो हम RR कंपनी का लेते हैं। तो ये 27 नंबर मिलन का गेज का जो वायर है वो हम निकाल करके एक मास्किंग टेप से चिपका दे रहे हैं, और इनर चेपी के ऊपर से राउंड लपेटते हुए जहाँ पे लाइन हम खींचे थे वहाँ से इनर चेपी को टच करते हुए राउंड राउंड लपेटते चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसमें आपको क्या अच्छा लगा। कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम अगले वीडियो में बताएँगे।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम पुराने कॉइल को मापते हैं तो लगभग वो 30 mm का कॉइल है, तो यहाँ पर वाइंडिंग हमारा काफ़ी कम हुआ है, तो कुछ टर्न्स और हम लपेटेंगे और कुछ टर्न लपेटने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा वायर कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो वर्नियर से चेक करते हैं, देखिए वर्नियर पे लगभग 30 बराबर शो कर रहा है, 31 पॉइंट के आसपास है, तो कॉइल हमारा परफेक्ट है। पुराना कॉइल 30 mm का था, अब इस पर हम वही 7 mm की प्लास्टिक की सीट से एयर लाइट ले करके पूरा फैला देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें कॉइल का पेपर लगाना है और जो भी एक्स्ट्रा एयर लाइट होगा उसको निकाल देंगे। इस कॉइल को हम टील पेपर पे बना रहे हैं, तो टील पेपर हम काट करके रख लिए थे और उसमें देखिए टील पेपर के अंदर साइड से हम एयर लाइट लगा लिए हैं, तो इनर साइड से जो एयर लाइट लगा हुआ है वो लपेटे हुए वायर में भी एयर लाइट लगा हुआ है, दोनों को मिला करके चिपका देंगे और टील पेपर को दोनों का पेपर का टुकड़े का माउथ मिला करके एक मास्किंग टेप लगा देंगे। तो टील पेपर हमारा देखिए बराबर से बैठ गया है। अब जो इनर छेड़ा था उसको जो हमने प्लास्टिक शीट पे चिपकाया था वहाँ से धीरे धीरे घुमाते हुए निकाल करके जहाँ से टील पेपर जॉइंट है वहाँ से बाहर निकाल लेंगे और टील पेपर के ऊपर वापस मास्किंग टेप चिपका देंगे। अब एक मास्किंग टेप लेकर के मास्किंग टेप को टील पेपर के ऊपर अच्छे से टाइट करके बांध देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो ब्लैक सेलो टेप से भी, ब्लैक टेप जो वायर में यूज होता है वो भी लगा सकते हैं, मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं, बट आपको एकदम टाइट ज्वाइंट करना है, चिपकाना है। अब जो मास्किंग टेप से हम टील पेपर को ज्वाइंट को चिपकाए थे उसको निकाल करके एरालाइट वही 7 नंबर की प्लास्टिक की सीट पे लेकर के टील पेपर के आउटर साइड में पूरा एरालाइट लगा देंगे। एरालाइट हल्का सा गाढ़ा लगाते हुए खींच करके लगा देना है, एरालाइट एकदम साफ नहीं लगाना है, हल्का सा एरालाइट इसमें लेयर होना चाहिए। अब इस वायर को धीरे से एक सरफेस लेते हुए बराबर लेयर लेते हुए एक राउंड घुमा लेना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सावधानी बरतना है, एक बार आप आउटर लेयर कर लिए तो उसके बाद फिर आसानी से पूरा वाइंडिंग हो जाएगा। आउटर लेयर के लिए बस वही ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट लेयर एकदम धीरे धीरे घुमाते हुए इनर साइड के वायर को मैच करते हुए जस्ट इनर साइड के वायर के ऊपर ही टील पेपर के साइड से बराबर लेयर पकड़ते हुए आपको ऊपर ले आना है और घुमाते हुए लास्ट तक ले आना है। ये देखिए वायर लगभग 30 mm लपेटा गया है क्योंकि हमारा नीचे वाला तार जो है वो दिखना बंद हो गया है, एक डार्क दिखता है वो दिखना बंद हो गया है, तो एक सुई की सहायता से जो इनर लेयर का वायर निकला था अंदर वाला लेयर उसको इस वायर में आउटर से टच कर देंगे और इसका वायर को खींच करके मास्किंग टेप चिपका करके काट देंगे और इसका जो लास्ट छेड़ा बचेगा वो इनर वायर और इसमें बांध देंगे ताकि जब हम इसको भट्टी में डालेंगे तो मास्किंग टेप लूज हो करके वायर बिखर ना जाए। तो ये देखिए दोनों वायर को घुमा करके बांध करके एक मास्किंग टेप लगा देंगे। ये हमारा कॉइल लगभग वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है, तार काट करके हम हटा देते हैं एवं जो तार चिपकाने के लिए प्लास्टिक सीट लगाए थे उसको भी हटा देते हैं। अब एक सुई की सहायता से आप इनर वाले वायर को चेक कर लीजिए कहीं बिखरा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी इनर वायर नीचे से अगर फैल जाएगा तो आपको कॉइल बनाने के बाद पता चलेगा, तो कॉइल सूख गया रहेगा तो आप उसको संभाल नहीं सकते। तो एक सुई की सहायता से आप जो टील पेपर है उसके नीचे डाल करके वायर को ठेलते हुए घुमा लीजिए और फिर बाहर से भी जो है उसको आप सुई से सेट कर दीजिए, फिर एरालाइट लेकर के आप इसको जो है सो पूरा गोल गोल घुमाते हुए एरालाइट लगा दीजिए। एरालाइट यहाँ पर गाढ़ा ही लगाइए क्योंकि अभी गर्म करना है, जब इसको गर्म करेंगे तो एरालाइट पिघल करके अंदर जाएगा और उसके बाद देखिए अभी हम इसको हीट गन से गर्म कर दे रहे हैं तो एरालाइट पिघल करके अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद जो बचेगा एरालाइट उसको वापस सीट से हम निकाल देंगे और कॉइल को एकदम चिकना कर देंगे। तो पहले आपको हीट करना है, हीट करने से एरालाइट पिघल कर अंदर जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा एरालाइट बचा हुआ है इसके ऊपर में उसको गोल गोल घुमाते हुए उल्टा फिर वापस घुमाते हुए प्लास्टिक सीट से एरालाइट निकाल लेना है और एकदम कॉइल को चिकना बना लेना है। यहाँ पे आपके हाथों की सफाई की आवश्यकता होगी, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम कॉइल बना रहे हो तो इतना चिकना ना हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है, अनुभव भी कोई चीज़ होता है, धीरे धीरे जब आप बनाते रहेंगे तो आप मुझसे भी अच्छा कॉइल बना सकते हैं। ये देखिए कॉइल काफ़ी अच्छा बन गया है, आउटर लेयर वगैरह सब क्लियर हो गया है, तो अब इसको हम भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी में हमने 2 बल्ब लगा के रखा है, तो ये देखिए 2 बल्ब लगे हुए हैं, भट्टी में रख करके 200 वाट का 2 बल्ब हम जला देते हैं। 20 मिनट के बाद ये पक जाएगा,
लगभग 20 मिनट हो गया है। तो ये देखिए कॉइल हमारा पक करके निकल गया है। अब इसको हम डाई से निकाल लेते हैं। इस साइड से डाई टाइट आ रहा है तो हम रिवर्स करके दूसरे साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पे डाई हमारा आसानी से निकल गया, लेकिन अगर यहाँ पे ये डाई नहीं निकलता तो जो हमने छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लगाए थे उसको पकड़ से खींच करके निकालते तो डाई आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 20 mm प्लास्टिक सीट लपेटा हुआ है तो डाई आसानी से निकल गया, लेकिन अगर ये 2 या 3 टर्न रहेगा तो आपको प्लास्टिक सीट से ही निकालना पड़ेगा खींच करके। तो ये हम प्लास्टिक सीट गोल गोल घुमाते हुए निकाल दे रहे हैं। ये देखिए कॉइल हमारा परफेक्ट रेडी हो गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देख करके कोई बोल ही नहीं सकता हैंडमेड है, एकदम ओरिजिनल जैसा इंपोर्टेड कॉइल आता है वैसा ही दिख रहा है। और चूंकि मिलन डीसी वायर लगाए हैं तो इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। मिलन डीसी वायर का बना हुआ कॉइल काफ़ी लंबा चलता है। आप भी कोशिश कीजिए कि अगर वायर लेना हो तो मिलन का ही लीजिए, वो 200-300 रुपये महंगा होता है बट लेकिन उसका कॉइल बना हुआ काफ़ी अच्छा लाइफ टाइम चलता है। तो अब हम इसको स्पीकर के पोल पे बिठा के देखते हैं। स्पीकर के पोल पे आराम से चला गया। तो अब उसी 7 नंबर की सीट का 2 लेयर काटते हैं हम, और 2 लेयर मतलब लगभग 7 नंबर का जो सीट है वो 2 लेयर काट करके और फिर हम पोल पे बिठाते हैं। तो ये 7 नंबर का जो सीट है वो 2 लेयर हम काट लिए हैं। अब कटे हुए सीट को कॉइल के अंदर लपेट देते हैं, और कॉइल के अंदर लपेट देने के बाद इसको पोल के ऊपर सेट कर देते हैं। पोल के ऊपर ये एकदम आसानी से सेट हो गया है। तो अब 7 नंबर की एक और सीट कटी हुई जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, और इन छोटे छोटे टुकड़ों से कॉइल को चारों साइड से जाम कर देंगे। जाम करने के बाद हम आपको दिखाएंगे आउटर से कॉइल कितना लूज़ है और इनर से कितना है। इनर से तो आप समझ ही गए होंगे, 7 नंबर के 2 सीट लगे हुए हैं तो इनर में काफ़ी अच्छा गैप है। अब इसी 7 नंबर की सीट को हम बाहर से डाल करके आपको दिखाते हैं। अब स्पीकर को हम राउंड व्हील पे रख देते हैं ताकि गोल घुमाने में आसानी हो। तो हम 7 नंबर का सीट हम आउटर में डाल करके आपको स्पीकर घुमा के दिखाते हैं। देखिए एकदम फ्री जा रहा है। हम कैमरा नज़दीक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कॉइल सेटिंग ये नहीं है, कॉइल सेटिंग और नीचे होगा, बट सिर्फ हम आपको कॉइल कितना फ्री ये दिखाना चाह रहे हैं। इसको आप कॉइल का सेटिंग मत समझिएगा, क्योंकि कॉइल का सेटिंग 10-15% ही कॉइल बाहर रहता है, ये लगभग 25% बाहर है। अब हम कॉइल को निकाल लेते हैं और इसके ऊपर आउटर चेपी लगाते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक का रोल हम काट करके रखें, उस रोल को अंदर डाल करके हम कॉइल के अंदर टाइट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम आउटर का चेपी लगाएंगे और उसको दबाएंगे तो कॉइल आउट नहीं होगा। अगर आपके पास इस टाइप का रोल नहीं है तो आप जो डाई बनाए हुए हैं उसी डाई के रोल को अंदर डाल करके फिट कर सकते हैं, जिससे आपको चेपी लगाने में आसानी होगा। हमने जो बाहर मास्किंग टेप लगाया था उसको निकाल दिया है। अब आउटर का जो वायर है उसको हम निकाल रहे हैं, और ये इनर का वायर है जो अंदर से आया हुआ है। ये वायर जो इनर लेयर होता है, जो अंदर का लेयर है वो जो अपना टील पेपर के जॉइंट के ऊपर से निकला है वो है। जो अंदर से वायर निकलता है वो कभी भी, ये देखिए ये अंदर वाला वायर है, ये पॉजिटिव माना जाता है, और जो आउटर का लेयर है वो नेगेटिव माना जाता है। ये वायर आपका पॉजिटिव है, जो अंदर से निकला हुआ है ये पॉजिटिव है, प्लस वाले पॉइंट पर लगेगा। और ये जो दूसरा वायर है ये आपका कॉमन वायर है, नेगेटिव वायर है, जो बाहर से आकर के आउटर से निकला हुआ है। ये बाहर से आया, बाहर से राउंड राउंड होते हुए लास्ट में निकल के आया, ये नेगेटिव वायर है। तो ये दोनों छेड़े हमारे निकल गए हैं। अब यहाँ पे अक्सर हम टेक्नीशियन क्या गलती करते हैं कि बोन अपना बोस्टिक या स्पेप 7 या फेवी बॉन्ड लगा करके आउटर का जो चेपी लगा देते हैं, बट यहाँ गलती होता है। ये स्पीकर का सबसे नाजुक पॉइंट होता है, यहाँ पे आप फेविक्विक से इसको जाम कीजिए, क्योंकि कॉपर का जो वायर है वो एरालाइट से जाम है, और जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर भी एरालाइट से जाम होगा जहाँ पे आपका लीड वायर से ज्वाइंट होगा। बट सिर्फ ये जो 1 इंच का सरफेस होता है यहाँ पे ये फ्री हो जाता है, खुला रहता है, और सिर्फ एडहेसिव से टाइट होता है तो उतना फिक्स नहीं हो पाता है, वो उतना जाम नहीं हो पाता है। तो जब झटके में कभी स्पीकर बजता है तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए आप इसको फेविक्विक से जाम कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं आउटर चेपी लगाऊंगा तो उसके लिए स्पेप 7 में यूज़ कर रहा हूँ। स्पेप 7 एक बॉटल में निकाल के रखा हूँ, उसको यहाँ पे डाल करके और फिर एक स्पंज पे पट्टी से उसको पूरा फैला ले रहा हूँ। स्पेप 7 कॉइल के पूरे सरफेस में फैला ले रहे हैं। तो इधर ये देखिए स्पेप 7 पूरा अच्छे से मिक्स करना है ताकि जब हम आउटर चेपी लगाएं तो कहीं पे भी गैप ना हो।
आउटर चेपी में भी हम इस पेप से ऊन लगाएंगे और ये टिल पेपर में भी इस पेप से ऊन लगाएंगे। तो जब दोनों सूख जाएगा और जब चिपकेगा तो अच्छे से जाम होकर पकड़ लेगा। तो इस पेप सेवन कॉइल पे पूरा लग गया है, अब आउटर चेपी लगाते हैं। आउटर चेपी हम पहले से काट के रखे हैं, अब इसके ऊपर हम इस पेप सेवन फैला लेते हैं। इस पेप सेवन आउटर चेपी में जब भी आप लगाइएगा तो जिधर आप उंगली से दबाए हैं उधर से लगाते हुए जाइएगा, तो कभी भी आउटर चेपी आपका मुड़ेगा नहीं। ये देखिए स्टार्टिंग यहाँ पे लगाइए और यहाँ से इस पेप सेवन फैलाते हुए चले जाइए लास्ट तक। अगर आप उधर से लगाएंगे दूसरे साइड से तो कभी कभी पेपर मुड़ जाता है और इस पेप सेवन पलटी साइड भी लग जाता है। तो देखिए इस पेप सेवन पूरा लग गया है, अब इसको हम आउटर चेपी के रूप में टिल पेपर के ऊपर लगाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए और अंगूठे से उसको दबाते जाइए, थोड़ा थोड़ा आउटर चेपी लगाते जाइए और अंगूठे से दबाते जाइए। यहाँ पे वायर आया तो आप अंगूठे से वायर को थोड़ा सा दबाते हुए आउटर चेपी लगाते चले जाइए। ये आउटर चेपी पूरा लग गया है, तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको कैंची से काट देंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा आउटर चेपी है, इसको कैंची से काट दे रहे हैं। ये आउटर चेपी अब पूरा मेरे लग गया है, तो अब इसको एक स्क्रू ड्राइवर से हम पूरा दबा देंगे। इसी की बात मैं कर रहा था, इस टाइम पे अगर आप इनर में प्लास्टिक रोल नहीं लगाएंगे तो कॉइल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हमारा प्लास्टिक रोल है तो कॉइल पे हमारा प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर टोटल प्लास्टिक रोल पे जाएगा। तो इस तरीके से दबा देने पे एडहेसिव जो इस पेप सेवन है अच्छे से चिपक जाता है, तो ये पेपर कभी छोड़ता नहीं है। अब ये लीड वायर को निकाल करके थोड़ा सा हम फाड़ करके साइड कर ले रहे हैं और ऊपर जो एक्स्ट्रा चेपी है उसको काट लेंगे हम। तो अंदर के सीट को अब हम निकाल देते हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से चेपी लग गया है, तो हम सीट को निकाल दे रहे हैं अंदर वाला। ये देखिए सीट निकल जाने के बाद इनर आउटर दोनों चेपी लग गया है। देखिए कॉइल कंप्लीट हो जाने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत कॉइल बना है एकदम। अब हम जो इनर चेपी चिपकाए थे वो मास्किंग टेप निकाल दे रहे हैं, तो इनर चेपी का देखिए जॉइंट भी आपको परफेक्ट दिख रहा है और कॉइल के तार और इनर चेपी में ज़रा भी गैप नहीं है, एकदम चिकना स्मूथ सरफेस वहाँ पर है। अब ये इस कॉइल को अब हम पोल के ऊपर वापस सेट कर देते हैं और कॉइल को जाम कर देते हैं और फिर स्पाइडर लगा करके माप लेते हैं। स्पाइडर लगा करके माप लेने के बाद उसमें दाग दे देंगे, दाग के बाहर जो एक्स्ट्रा इनर चेपी आउटर चेपी होगा उसको काट देंगे। उससे क्या होगा, अगर हमारा कॉइल का लंबाई ज़्यादा नहीं है तो हम उसमें एयर गैप के लिए कटिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं इसमें एयर गैप का कटिंग हो सकता है या नहीं। तो ये हमने स्पाइडर फिट कर दिया है और मार्कर से आउटर चेपी के ऊपर एक मार्क कर दिए हैं। अब देखते हैं कॉइल कितना गैप मिलता है मुझे। अगर कॉइल में गैप मिलेगा तो हम इसमें एयर पास का होल करेंगे। एयर पास होल करने से कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर वाला जो तार रहता है और स्पाइडर का जो गर्मी होता है वो निकल जाता है वहाँ से। ये देखिए काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है मुझे। तो आउटर और इनर चेपी को लेते हुए हम कैंची से पूरा काट देते हैं जो एक्स्ट्रा कॉइल की लंबाई है वो। अब इसमें गर्म हवा निकालने के लिए हम एयर पंच करेंगे, जिसके लिए कंगारू मशीन का यूज करेंगे, जिसे हम पेपर में पंच करते हैं। देखते हैं इसमें कितना गैप मिलता है। अगर गैप लाइन से नीचे मिलता है तो हम इसमें एयर होल बनाएंगे। एयर होल से क्या होता है कि जो अंदर का गर्म हवा है स्पाइडर और कॉइल के बीच का वो बाहर निकल जाता है। कॉइल देखिए आप स्पीकर में कभी भी सेंटर का जो पोल होता है उसके बीच में एक होल होता है, उसे CCS बोलते हैं, कॉइल कूलिंग सिस्टम। तो वहाँ से जो है गर्म हवा बाहर निकलता है, तो स्पाइडर और कॉइल के बीच का गर्म हवा अंदर जाकर के वहाँ से निकल जाएगा। तो ये बैठ गया है, तो ये देखिए एयर होल हमने इसमें पंच कर दिया है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और लाइन से काफ़ी नीचे है तो आराम से ये एयर वर्क करेगा यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी यह वीडियो देख करके आप 4.5 इंच का कॉइल ज़रूर बना सकते हैं, और अगर आपके पास सेम डाई ना हो तो आप कोई भी डाई के ऊपर छोटा बड़ा कॉइल बना सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।